खबर सामने आई है जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से, जहां उप जिलाधिकारी जसपुर द्वारा नगर में चल रहे अवैध हॉस्पिटल पर कार्यवाही की, जिसमें हॉस्पिटल में अनियमितता पाई गई और हॉस्पिटल का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। आपको बता दें, इससे पहले भी उप जिलाधिकारी जसपुर द्वारा कई अवैध हॉस्पिटल और क्लिनिकों पर छापा मारा गया है, उन्हें सीज भी किया जा चुका है। वही आज उप जिलाधिकारी जसपुर द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया और उप जिलाधिकारी द्वारा हॉस्पिटल संचालक को जमकर फटकार लगाई गई। आइए आपको दिखाते हैं इस छापेमारी की एक छोटी सी झलक। देखो बना तुम अंदर आपके वहां पे सब लोगों का सामान पड़ा है, जैसे कोई एडमिट है यहाँ पे, दवाइयां पड़ी है, जब चालू है दवाई को क्या करोगे, एक्सपायर नहीं हो जाएगी बिना यूज के। क्यों आपने जब छपाई जब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था? हॉस्पिटल में खामियां मिलने पर उसको सील कर दिया गया। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि श्री हॉस्पिटल पर छापेमारी की गई है, जिस पर बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, लेकिन इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और हॉस्पिटल के अंदर भी कुछ सामान पड़ा था, डॉक्टर के नेम प्लेट भी पड़ी हुई थी और एक डॉक्टर से बात की गई जिनके द्वारा कहा गया कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन अंदर की स्थितियां देखकर लग रहा है कि किसी न किसी तरह से इस हॉस्पिटल का उपयोग किया जा रहा है। हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इससे साफ है कि हॉस्पिटल का दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसे सीज कर दिया गया है। वहीं उप जिला अधिकारी ने बताया कि जिला अधिकारी महोदय को इस बारे में अवगत कराया गया है और रिपोर्ट भी भेजी जाएगी कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने बताया, हाईवे पर यह हॉस्पिटल है और पहले ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस हॉस्पिटल का संज्ञान लिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। इसके लिए उनसे पूछा जाएगा और अगर इसमें किसी की लापरवाही होगी तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत में जसपुर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने क्या कुछ कहा। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा इन्होंने नंबर वगैरह लिख रखा है और लिख रखा है कि इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, जबकि आज की तिथि तक इसका हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और अंदर जाने पे भी आपने देखा कि आप लोगों ने भी देखा कि अंदर जो है कंबल वगैरह इत्यादि पड़े थे, दवाइयाँ पड़ी थी और स्टेथोस्कोप पड़े थे और कुछ डॉक्टर्स के नेम प्लेट्स भी पड़ी थी, तो जिससे साफ जाहिर है कि यहाँ पे, और एक डॉक्टर से हमने बात भी करी, उसका भी कहना है कि यहाँ पे वो उसका नाम भी है, उनका नाम भी है, वो हालांकि कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हमने शुरू नहीं किया, लेकिन स्थितियाँ देख के यही लग रहा है कि किसी न किसी रूप में इस हॉस्पिटल का उपयोग किया जा रहा है। तो इसलिए जब इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और इन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे नेम प्लेट और ये सब चीज़ें लगा रखी हैं, इसके कारण जो है इसकी पूरा अंदेशा है कि यहाँ पे जो है इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसको सीज किया जा रहा है। अपना करवाएंगे प्रॉपरली और प्रॉपर यहाँ पे जो चीज़ें उसके मैंडेट के अंतर्गत आती हैं वो नहीं करेंगे, तब तक इस पर फिर ये सीज ही रहेगा। मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया गया, मैं इसमें रिपोर्ट दूंगा कि क्यों इसके द्वारा इनके द्वारा इतनी लापरवाही बरती जा रही है कि ये, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हाईवे पर ये हॉस्पिटल है और स्वास्थ्य विभाग को इसका संज्ञान पूर्व में ही ले जाना चाहिए था, उनके द्वारा क्यों नहीं लिया गया, इसके लिए उनको उससे पूछा जाएगा और यदि इसमें किसी भी तरह से कोई किसी की लापरवाही होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।